ओके बेटा, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू यूज गोइंग टू. वी यूज गोइंग टू विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म द सिंपल फ्यूचर. अभी हमने यूज सीखा था कि प्रीवियस वीडियो में कि विल प्लस बेस फॉर्म यूज करते हैं तो सिंपल टेंस की फॉर्मेशन हो जाती है, सिंपल फ्यूचर टेंस की. यहाँ पर गोइंग टू के साथ बेस फॉर्म यूज़ करते हैं तो इस तरह भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका रूल क्या रहेगा आपका, बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. बी मतलब इज, एम और आर, किस में करना है, इज एम और आर. ठीक है, आई के साथ एम आता है, ही शी इट के साथ इज आता है और वी दे यू के साथ आर आता है. ये मैंने पहले ही आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्लियर कर दिया था. ओके, एग्जाम्पल्स, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ. अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, वे एक नई कार खरीदने जा रहे हैं. अगले महीने वो एक नई कार खरीदने जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू, जा रहे हैं टू बाय अ न्यू कार, एक नई कार खरीदने के लिए. क्लियर, यहाँ पर बी में क्या आ गया, दे के साथ आर. ठीक है, बी में की जगह पे आर. आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है दे. एन एंड जिम दो पर्सन्स हैं तो इसके लिए हम आर यूज़ कर रहे हैं. गोइंग टू गेट मैरिड सून, एन और जिम जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं. इस तरह भी, अभी हुई नहीं है शादी, करने जा रहे हैं, तो इस तरह हम जा रहे हैं लगा के गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन हो जाती है गोइंग टू लगाने से भी. ठीक है, वी राइट द अप्रोप्रिएट बी वर्ब इज एम आर. मैंने अभी क्लियर किया आपको कि बी जो है, बी की फॉर्म क्या आ जाएगी वर्ब में, इज किस के साथ आएगा, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ. आई के साथ एम आता है, प्लूरल नाउन्स प्लस वी दे यू इनके साथ आर आता है. साथ में हम लगाएंगे गोइंग टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हमारा रूल बन जाता है बी की जगह पे इज एम आर में से कुछ भी लगाना है, फिर गोइंग टू लगाना है हमें, साथ में हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. क्लियर, टू टॉक अबाउट एक्शंस, ये कब करेंगे, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए दैट आर प्लान्ड, जो कि प्लान है, एंड विल डेफिनेटली हैपन, और वो पक्का ही होंगे भी. एग्जाम्पल, रवि इज गोइंग टू मूव टू शिकागो इन अप्रैल. रवि जो है वो शिकागो जा रहा है अप्रैल में. क्लियर, वी यूज बी गोइंग टू प्लस वर्ब टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर. प्रिडिक्ट फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्ट अनुमान लगाने के लिए और करंट सिचुएशन पे जो आधारित है ये देखने के लिए, जैसे द बुक्स आर गोइंग टू फॉल ऑफ द शेल्फ इफ़ यू डोंट अरेंज दैम. किताबें जो हैं शेल्फ से गिरने जा रही हैं अगर तुम इसको प्रॉपरली अरेंज नहीं करते हो. नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट आ जाएगा. ठीक है, यूजिंग बी गोइंग टू वी राइट नोट आफ्टर द वर्ब. वर्ब के बाद जो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद, यानी इज, एम या आर के बाद हम नॉट लगाएंगे. यू आर नॉट गोइंग टू पास द टेस्ट इफ यू डोंट वर्क हार्ड. यू आर नॉट गोइंग टू पास द टेस्ट, कि तुम टेस्ट नहीं पास करने जा रहे हो, टेस्ट नहीं पास कर सकते. If you don't work hard, अगर आप मेहनत नहीं करते हो. ठीक है, तो ये predict है. Negative sentence में हमने not लगाया. ठीक है, और simple sentence में
रूल हो जाएगा बी गोइंग टू प्लस वर्ब, दैट मीन्स इज एम या आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब. लेट्स डू वन एग्जाम्पल. यूज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म सेंटेंसेज यूजिंग बी गोइंग टू, वन हैज बीन डन फॉर यू. अभी हमको वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज करके हमको बनाना है ये बी गोइंग टू लगा के. ओके लेट्स ट्राई. डैड बाय, डैड इज गोइंग टू बाय मी अ न्यू कंप्यूटर. डैड मुझे कंप्यूटर, एक नया कंप्यूटर मेरे लिए खरीदने जा रहे हैं. ठीक है, अभी यू इसको ऐसे बना सकते हैं, यू आर गोइंग टू हेल्प हर. यू आर गोइंग टू हेल्प हर. क्लियर. अभी द डॉग कैच, द डॉग इज गोइंग टू कैच द रिंग. ठीक है, रिंग कैच करने जा रहा है डॉग. हेनरी कम, हेनरी कम, हेनरी इज गोइंग going to come on the dance floor. ठीक है, Henry is going to come on the dance floor. Henry जो है dance floor पर आने जा रहा है. Clear? समझ आ गया आपको? ऐसे आपको इस सेंटेंसेस को भी बनाना था. ओके, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपको बताया हुआ है नीचे क्या है. ये प्रिडिक्शन है, प्रॉमिस है, ऑफर है, कमांड है, रिफ्यूजल है. तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट खेलेंगे. तो इन्होंने अचानक ही डिसीजन लिया तो लिखेंगे सडन डिसीजन. ठीक है, अचानक ही डिसाइड किया है, सडन डिसीजन. आई विल लैंड यू मनी इफ नीडेड, मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा अगर ज़रूरत हो. तो ये क्या है, ऑफर है कि प्रॉमिस है, या कमांड है कि प्लान है, या रिफ्यूज़ल है. तो I am going to give you this exercise to solve this. आप करना इसको. ठीक है, After that I'll send you PDF, then you can tally with it. Okay? So take care, goodbye. This is sufficient for today. Take care.